अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप सब के उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे खूब मज़े में होंगे और आज के दिन का फोरकास्ट ये है कि जी सारा दिन धुआँदार बेहिसाब बेशुमार बर्फ़ गिरेगी और इतनी गिरेगी कि पूरी रात गिरती रहेगी बल्कि अगले दिन की सुबह तक गिरेगी तो जी अन करीब मैं आपको बहुत ही बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ दिखाने वाली हूँ और मैंने सोचा कि आज इब्तिदा है और ये आपसे ना शेयर किया गया तो ये तो ज़्यादती की बात है तो जी जिन लोगों को बर्फ़ बहुत प्यारी लगती है तो इन्जॉय करें आज का दिन फिर कल की कल देखी जाएगी और जी आज के व्लॉग को हम स्टार्ट करेंगे अपने पिछले व्लॉग से जिसमें हमने एक दिन अपना गुज़ार लिया है दावत की प्रेपरेशन का और अब आ गया है डे टू और जो मैं हमेशा कहती हूँ वही मैं आज कहूँगी कि जिस दिन दावत है जिस दिन काम है या फिर एक रेगुलर डे भी है नाश्ता स्किप नहीं किया करें नाश्ता ज़रूर करें जो आपको पसंद हो वो खाइए और उसके बाद अपने कामों पर लग जाइए मैं तो बस कहती हूँ कि मुझे सारा दिन कुछ ना दिया जाए पर नाश्ता ज़रूर दिया जाए तो जी यहाँ पे बन रहा है फ्रेंच टोस्ट और फ्रेंच टोस्ट बनाना तो मेरा ख्याल आप सबको ही आता होगा अंडा चीनी दूध और थोड़ा सा बने एसेंस अगर तो आपको पसंद है आप चाहें तो उसे पाउडर भी डाल सकते हैं साथ में बन रही है मेरी मज़ेदार किस्म की चाय और जी फ्रेंच टोस्ट भी तैयार है चाय भी तैयार है और ख़ानदान में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो फ्रेंच टोस नहीं खाना चाहते तो उनके लिए उनके हिसाब का नाश्ता भी तैयार कर लें ठीक है ना जी तो इन सब कामों से फारग होकर अब हम स्टार्ट करेंगे अपने दावत का काम और पता नहीं क्यों किस तरह से जो है वो हमारे पास जो है इतना बड़ा बीफ का पैकेट आ गया था अब इसमें मेरे मियाँ की कोई कारगुज़ारी है कि वो उसकी कोई बोटियाँ बनवाए बगैर आ गए और बिल्कुल भूल गए कि बेगम किस कदर जो है न वो काम करने में सुस्त हैं बहरहाल मैंने अपनी शॉर्ट इस्तेमाल करते हुए कैंची से इसको छोटे पीसेस में काट लिया किचन में मैं हमेशा दो कैंच रखती हूँ एक कैंची सिर्फ मीट के लिए और एक कैंची जो है वो दूसरे काम के लिए तो जी मीट को हमने बड़े बड़े चंक्स में काट लिया और यहाँ पे सारा खड़ा गरम मसाला है सौंफ है साथ में धनिया है इलायची है बड़ी इलायची है लौंग काली मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके साथ मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर गोश्त और पानी डाल के मैं इसे प्रेशर कुक कर लूँगी उस वक्त तक जब तक गोश्त अच्छी तरह से ना गल जाए यहाँ पे बन रही थी पुलाव की यखनी और जी ये जो आपको नज़र आ रहा है गोश्त ये वो गोश्त है जो हमने एक दिन पहले मैरिनेट किया था याद आया ठीक है ना तो इसको मैंने मैरिनेट किया था अब मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ इस ओवर के फ्रिज में था अब इसमें थोड़ा सा तेल डाला है और इसको मैं अगेन प्रेशर कुक होने के लिए रख दूंगी। तो जिनके पास दो चूल्हे हैं तो वो दोनों चूल्हे इस टाइम पे ऑक्यूपाई हो जाएंगे एक में बन रहा है पुलाव की यखनी का हिसाब किताब और दूसरी में जो है वो आपका सालन और जी बाहर का मौसम देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि अब किस तरह की सिचुएशन होने वाली है और आप देख लीजिए कि जो हमारे वुडन बैरियर हैं उसके ऊपर किस तरह से बर्फ़ एक्मलेट होनी स्टार्ट हो गई है इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि सुबह से अब तक कितनी बर्फबारी हो गई है तो जी जब तक हमारे दो चूल्हे ऑक्यूपाइड हैं तब तक हम मीठे की तैयारी कर लेते हैं और यहाँ पर जो है वो मैं मीठे में बना रही हूँ चॉकलेट केक इसकी रेसिपी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ और उसका लिंक दे दूँगी मैं आपको और अगर मुझे याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा से भी लिख दूँगी वरना आपको किसी भी ब्लॉग में चॉकलेट केक की रेसिपी मिल जाएगी तो जी मैंने उसको जो है अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है और यहाँ पे मोल्ड को मैंने लगा दिया है तेल या बटर और उसके ऊपर मैं मैदा लगा के इसे अच्छी तरह से कोट करूँगी और एक्स्ट्रा मैदा हटा लूँगी वैसे मैं पार्चमेंट पेपर यूज़ करती हूँ मगर मुझे स्पेसिफ़िकली इसको इस पाई टिन में बनाना था क्योंकि मुझे इस शेप का केक चाहिए लेकिन मैं सोच रही थी कि अगली दफ़ा बनाऊंगी ना तो मैं मिडल वाले हिस्से में जो है वो पार्चमेंट पेपर ज़रूर रखूंगी क्योंकि निकालने में काफ़ी मुश्किल होती है तो अवन जो है वो ऑलरेडी प्री हीटेड है इसको दो दफ़ा टैप करें सारे बबल्स चले जाएँ इसको अवन में रख दें अच्छा जी हम केक बना रहे हैं पाई डिश में तो वो बिल्कुल फ्लैट होती है बहुत बड़ी हाइट का केक नहीं बनेगा और 30 से 35 मिनट में बेक भी हो जाएगा तो 30 से 35 मिनट आपने यूज़ करने हैं केक की टॉपिंग बनाने के लिए केक की टॉपिंग बनाने के लिए बड़े सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं दूध है चीनी है मैदा है वनीला एसेंस है अंडा है और मक्खन है अंडे को आपने सेपरेट कर लेना है उसकी सफ़ेदी से हमें सिर्फ जर्दी की ज़रूरत है सफ़ेदी आप अलग कर लीजिए बाद में इस्तेमाल कर लें किसी चीज़ के अंदर हम बना रहे हैं बिल्कुल बेसिक इजी सिंपल होममेड कस्टर्ड यकीन करें कस्टर्ड पाउडर नहीं होते थे तो इसी तरह से कस्टर्ड बनता था घर के अंदर तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है कि आज आप अपना कस्टर्ड खुद ही बनाएंगे तो जी अंडे की जो जर्दी है उसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे आधा कप चीनी है और एक कप दूध है और दो टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लार या फिर मैदा जिसको कहते हैं वो है इनको हम विस् की मदद से मिक्स करेंगे और उसके बाद चूल्हे पे लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देंगे और उस वक्त तक इसे कुक करेंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता और जैसे ही लगे आपको कि ये मिक्स हो गया है इसमें कोई लम्पस नहीं है इसमें गुठलियाँ नहीं है और ये गाढ़ा होने लगा है उस टाइम पे आप इसमें कोई सा भी एसेंस डाल सकते हैं मैं वनीला एसेंस डालूंगी आप अपनी मर्जी का एसेंस डाल सकते हैं और जैसे ही ये बैटर गाढ़ा होगा आपने इसके अंदर जो है वो एक टेबल स्पून मक्खन डाल देना है ताकि इसमें एक बड़ा अच्छा वेलवेटी सा टेक्स्चर आ जाए अब ये सारा काम करने में जो है वो आप देखिए कि आपकी दो चीज़ें ऑलरेडी पक रही हैं और मीठे की आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है तो एक ही साथ जो है वो आप दो तीन काम कर रहे हैं मल्टीटास्क करना बड़ा अच्छा होता है किचन में और जी हमारा कुकर हमें सीटियाँ मार मार के बुला रहा है कि इसमें यखनी बिल्कुल तैयार हो गई है आके चेक कर लो और यहाँ पे मीठे में हम मक्खन शामिल करने के बाद जो है वो इसको क्लिंग फिल्म से ढक देंगे उससे होगा ये देखिए जैसे मैं रख रही हूँ ये कस्टर्ड को टच कर रही है इस वक्त इससे होगा ये कि साइड से स्टीम निकलती रहेगी और ये ठंडा हो जाएगा और इसके ऊपर जो कस्टर्ड के ऊपर एक झिल्ली सी बन जाती है एक मोटी सी लेयर आ जाती है वो नहीं आएगी तो आप अपने काम करते रहिए आपका कस्टर्ड जो है वो आराम से ठंडा हो जाएगा विदाउट एनी लेयर और जी जब हम इस काम से फारिग होंगे तो हमारे जो है वो गोश्त भी गल गया हुआ है अब इसमें से आप दो काम कर सकते हैं जैसे मैंने ये पसंदे बनाए हैं अब मैं इसमें से गोश्त अलग कर लूँ और इसको जो है वो तवे पे हल्की आँच पे फ्राई कर लूँ थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ और मटर ये सब रख के इसको एज़ ए ड्राई आइटम में सर्व कर सकती हूँ चाहूँ तो इसको श्रेड करके मायूनीस में मिला के इसके सैंडविच बना सकती हूँ लेकिन मैं ऐसे सालन ही रखूंगी मैंने वहाँ से ग्रेवी जो है उसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया इसमें थोड़े से मैंने ब्राउन प्याज डाले थे उसका कहीं पे मिस हो गया है आई थिंक मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया और ब्राउन प्याज डाल के मैंने उसकी ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा कर लिया और ये गोश्त को मैं वापस इसके अंदर डाल दूंगी तो ज़बरदस्त किस्म का जो है वो स्टेक मसाला तैयार हो जाएगा क्योंकि हमने इस गोश्त को बिल्कुल स्टेक्स की तरह ही कट किया था या आप कह सकते हैं कि पसंदों की तरह का एक गोश्त का मसाला बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा इसको आपने हरी मिर्चों से और धनिया से अदरक से गार्निश करना है और बस दम पे रख दीजिए और जी इतनी देर में केक तैयार होकर के निकल आएगा और आप देख लीजिए कि 20 से 25 मिनट में जो है ज़बरदस्त किस्म का केक तैयार हो गया है थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसकी साइड्स लूज़ करेंगे और इसको अप साइड डाउन कर देंगे अच्छा मुझे यहाँ पे एहसास हुआ इसको निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं सोची थी कि इसमें थोड़ा पार्चमेंट पेपर मिडल में लगा दी थी ना तो ये ज़रा सा भी ना चिपकता लेकिन ज़ाहिर है मैंने ही खाना है मेरे बच्चों ने ही खाना है तो मैंने इसकी खूबसूरती पे ज़्यादा गौर नहीं किया और अभी हम यही बात कर रहे थे तो केक मेरे हाथ से गिर गया <laughs> और आप देख ही सकते हैं कि वो बेचारा साइड से थोड़ा ज़ख्मी हो गया तो अब इसकी कुछ मरम पट्टी करके जो है वो इसको तैयार करना पड़ेगा वैसे तो पेट में जाके सब चीज़ें एक ही जैसी बराबर हो जाती हैं लेकिन फिर भी तो जी यहाँ पे जो प्रेशर कुकर में हमने गोश्त की यखनी बनाई थी उसको गोश्त को यखनी से अलग कर दिया है उसके सारे मसालों को हम डिस्कार्ड कर देंगे और स्टैकेबल डब्बे यूज़ करें ठंडा हो जाए तो आप इसको बंद करें और फ्रिज में डाल दीजिए क्योंकि ये हम दावत वाले दिन पकाएंगे चावल फ्रेश ही अच्छे लगते हैं तो जी ये सारे काम करते करते जो है वो टाइम हो गया है बच्चों को स्कूल से लेकर आने का और मैंने सोचा है कि अब करूँ मैं थोड़ा सा हौसला क्या आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि पिछले पाँच छः घंटे में किस हिसाब से बर्फ़ गिरी है और अभी मैंने आपको ये बताया है कि यह पूरी रात गिरेगी अगले दिन की सुबह तक तो कल का नज़ारा तो बहुत ही मुख्तलफ होगा जो कि मैं इन आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शो करूँगी तो यहाँ पे जो है वो बड़ा मज़ा आ रहा था और थैंकफुली बिल्कुल घर से निकलते ही मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि मैं बच्चों को पिक कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि कोई मज़ेदार से सीन आपके लिए कैप्चर करूँ अच्छा जी आप अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखते हैं भाई दावत है कल हमारे घर में अगर तो हमें मीठा बिल्कुल फाइनल कर लेना चाहिए तो अब तक जो है वो कस्टर्ड भी ठंडा है उसकी क्रीम को ज़रा सा फ्लफ अप कर लीजिए और हमारा केक भी जो है वो बिल्कुल ठंडा हो गया केक को मैंने अप साइड डाउन कर लिया यानी कि उसको जो नीचे वाला हिस्सा है उसे ऊपर कर लिया ताकि पैन ने जो उसके अराउंड एक बाउंड्री सी बनाई है ना वो ऊपर रहे क्योंकि यही बाउंड्री जो है वो हमारे कस्टर्ड को होल्ड करेगी अगर आपको याद हो तो मैंने ईद के व्लॉग में ऐसा ही वनीला केक बनाया था और उसके ऊपर मैंने कंडेंस मिल्क से गार्निश किया था और पिस्तैशियों से जो है वो उसके ऊपर मैंने मून बनाया था अगर आपने वो वाला केक अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और ज़रूर बनाइए तो जी ये बाउंड्रीज जो हैं वो हमारे कस्टर्ड को होल्ड करके रखेंगी और आप समझें कि दावत का मीठा जो है वो आपने तैयार कर लिया अब आपने इसको फ्रिज में रखना है अच्छा हमारे घर में तो ये मीठा बनने की देर थी मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी तो पूरी पब्लिक मेरे पीछे खड़ी हुई थी हमें खाने को कब मिलेगा हमें खाने को कब मिलेगा और मैं उन्हें कही थी हौसला करो भाई इसको ठंडा होने दो ये ऊपर से कोको पाउडर है जिससे मैंने इसको गार्निश कर दिया आपको पता है कि गार्निशिंग और पाइपिंग और डेकोरेशन में ये वो सेक्शन है जिसमें मैं थोड़ी कमज़ोर हूँ बस मैं इतना ही गार्निश कर लेती हूँ बस कि आँखों को अपीलिंग लगे तो जी ये बहुत हिट केक गया शाम तक जो है ना वो आधा केक गायब हो गया था हालांकि मुझे आपको ये बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके दिखाना था लेकिन बस हमारे यहाँ जो माशाल्लाह आवाम है ना वो इसका इंतज़ार नहीं कर सकी और जी ये रहा सालन गोश का जो बिल्कुल तैयार हो गया और आप देखें कितना खूबसूरत तैयार हुआ है माशाल्लाह और ये खाने में भी बहुत अच्छा था तो आज की तारीख में आपने क्या क्या काम कर लिया आपने अपने चावलों के लिए यखनी बना ली एक सालन बना लिया और एक मीठा बना लिया अब इसको आप अपने मेन्यू के हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं यानी कि ईद से ईद देखें ज़रा सवार हो गई ईद मेरे दिमाग पर से एक दिन पहले आप बिरयानी का मसाला बना के फ्रिज में रख सकते हैं ठीक है ना तो देख लीजिए दो दिन पहले से काम करने का कितना मज़ा है और जी ये हो गई है रात और आप रात में देखिए कि किस कदर बर्फ़ जमा हो चुकी है और इस्पेशली आप ये वुडन बैरियर पे देखें कि इसकी हाइट कितनी ज़्यादा हो चुकी है कमस कम अज़ कम कम अज़ कम भी जो है ना वो पाँच से छः इंच हो गई है चले जी अब हम सो गए थे और ये आ गया है अगला दिन यानी कि आपकी दावत का दिन और आपने आज के दिन जो है वो अपने घर मेहमानों को बुलाया हुआ है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे तो जी हम भी ये नेक्स्ट डे पहुंच गए हैं किचन में और नेक्स्ट डे भी वैसे ही स्टार्ट हुआ था वही नाश्ता वही बर्तन धोने और उसके बाद दोपहर के खाने का इंतज़ाम तो हम बना रहे हैं पुलाव जिसकी यखनी हमने एक दिन पहले तैयार की थी इसमें मैंने प्याज ब्राउन डाला है और साथ में डाला है दही हरी मिर्चें गोश्त अच्छी तरह से भून लेंगे और ये है सीक्रेट मसाला शान का पंजा नहीं शान का पुलाव बिरयानी मिक्स ये नाम से एक पैकेट आता है उसमें से मैंने सिर्फ एक टेबलस्पून भर के इसमें डाला है क्योंकि आपने यखनी में जो है वो सारे मसाले डाले हुए थे लेकिन ये एक टेबलस्पून आपके पुलाव को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा अब इसके अंदर मैं यखनी डाल दूंगी यखनी को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए फ्रिज की ठंडी नहीं होनी चाहिए और इसी टाइम पर जो है वो आप सारे जो फ्रिज में रखे हुए खाने हैं बाहर निकाल लें ताकि मेहमानों के आने तक वो रूम टम्परेचर पर चले जाएँ ताकि गर्म करने आसान हो चावल इसके अंदर डालेंगे यखनी दो उंगली ऊपर होनी चाहिए पुलाव के चावल थोड़े से नरम और मज़ेदार अच्छे लगते हैं जूसी होने चाहिए हद से ज़्यादा खड़े चावल अच्छे नहीं लगते अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर यखनी है तो आप उसे फ्रीज़ कर लें बाद में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्टेज में आप इस पर नमक भी चेक कर लीजिए क्योंकि चावलों के लिए आपको ज़रा सा ज़्यादा नमक चाहिए होता है और अगर आपको यखनी में डार्क कलर चाहिए तो आप यहाँ पे टी बैग इसमें शामिल कर सकते हैं मैंने एक टी बैग डाला है वो मैं थोड़ी देर बाद निकाल लूँगी अगर आप चाहें तो दो टी बैग काफ़ी देर तक भी इसमें पका सकते हैं बहुत सारे लोग चावल जो है वो मेहमानों के आने के बाद दम देते हैं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती हमेशा एक से डेढ़ घंटा पहले ये काम कर लें ताकि एंड टाइम पे चावलों के कच्चे पक्के होने का कोई स्ट्रेस ना हो मैं बारबिकी उसमें बिरयानी पका के लेके जाती थी टावल से या उसे चादर से कवर करके देगचे को लेके जाइए चावल सर्व करने के टाइम तक बहुत गर्म रहेंगे इन शाह पुलाव की पूरी तरकीब जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी इसको मैंने दम पे रखा है और दम पे रखने के लिए जो है मैं इसके नीचे एक स्टैंड यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो तवा यूज़ कर सकते हैं पहले पाँच मिनट आपने इसको फुल आंच पे रखना है और उसके बाद अगले दस मिनट आपने इसको मीडियम टू लो पे रखना है खोल के देखेंगे तो इन श्ला पानी खुश्क हो गया होगा और चावल तैयार होंगे यहाँ पर मैंने बना लिया है रायता और ग्रीन चटनी यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँ कि सारा रेफ्रिजरेटेड खाना ना दो घंटे पहले आप निकाल के बाहर रख लीजिए और मेहमानों के आने से थर्टी मिनट्स पहले उसे छोटे पॉट्स में डाल के जो है वो हल्की आंच पे गर्म होने रख दें तो बाय द टाइम आप डिनर सर्व करेंगे तो पूरा खाना बिल्कुल फ्रेशली गर्मा गर्म सर्व हो सकता है आवत से एक रात पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपने कौन से बर्तनों में खाना निकालना है और खाना कहाँ निकालना है अगर टेबल पे निकालना है तो टेबल को उसके हिसाब से सेट कर लीजिए इसके आइडियाज़ आपको मेरे ब्लॉग से मिल जाएंगे और अगर आपने छोटी टेबल पे निकालना है जैसे मैंने सोचा है कि आज मैं छोटी टेबल पे निकालूंगी तो मैं हर बर्तन उस टेबल की साइज़ के हिसाब से निकालूंगी बार बार आप रीफिल करते रहिए लेकिन ये कि टेबल के, के हिसाब से निकालें और अगर आप फर्शी बिठाना चाहते हैं तो उसके लिए साफ़ सुथरी चादर और दस्तरखान का इंतज़ाम पहले से करके रखें अगर ये काम आपने दावत से एक दिन पहले किए होंगे तो डेफ़िनेटली दावत वाले दिन आप बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे क्योंकि कपड़े आपने बहुत दिन पहले ही इस्त्री कर लिए हैं तो जी बिल्कुल जाएँ अच्छा खूबसूरत सा तैयार होकर आएँ अपनी टेबल को सजाएँ अच्छे से कोस्टर रखें अच्छे से मैट रखें और दावत का खाना सर्व करें यहाँ पे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं तरह तरह के बस मैं उन सब मैसेजेस के जवाब यही दूंगी कि जो आपके पास है उसमें खुश रहिए और उसी को इस्तेमाल करके जो है वो अपने घर में खुशियाँ बढ़ाइए कंटेंट क्रिएशन एक प्रॉपर जॉब है हर आदमी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है लोगों के पास क्या कुछ नहीं है बाज़ व्लॉग्स आप देखें तो इस कदर शानदार क्रॉकरी है इतना शानदार घर है प्लेटें हैं क्या कुछ अच्छा नहीं है लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि दूसरे का लाल मुंह देख के ना अपने मुंह पे चपेड़े मार के लाल नहीं करना चाहिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा मुंह लाल नहीं गुलाबी रंग का है हम अपने गुलाबी रंग में ही खुश हैं ठीक है ना याद रखें हमारे दिन में मेहमान नवाज़ी की बहुत अहमियत है साहबी जो है वो अकेले खाना खाना पसंद ही नहीं करते थे चाहे खिलाने के लिए सिर्फ़ एक खजूरी क्यों ना हो तो जो आपके पास है खुश दिली और ख़ुश असलूबी से खिलाएँ अल्लाह ताला ने सिर्फ आपकी नियत देखनी है साफ़ सुथरा खाना बना हुआ हो और तमीज़ से इज्जत से पेश किया हो तो चाहे कुछ भी बना हो अच्छा ही होता है तो जी होपफुली आज के ब्लॉग से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा मुझे कॉमेंट करके आपने ज़रूर बताना है मुझे आपके कॉमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और ये केक ज़रूर ज़रूर बनाना है या यकीन करें इसको सुपर चिल करें सारी रात इसको आपने फ़्रिज में रखना है ये इतना ज़बरदस्त इतना ज़बरदस्त बना था कि मैं क्या बताऊँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो जी ये जो दो ब्लॉग थे वो आपकी फरमाइश पे बनाए गए थे अब आप मजीद क्या देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर किया करें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मस्ट है वहाँ पर डी के आंसर देना बहुत आसान होता है तो जी दूसरों को आसानियाँ दीजिए अल्लाह ताली आपको आसानी देंगे फिर मिलेंगे एक नए ब्लाग में अल्लाह हाफिज़